एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। एंड होली ब्लॉग के बाद मैं ये नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी भी हल्का हल्का कलर्स आपको फेस पे दिख ही रहा होगा। फेस वॉश अभी किया नहीं है मैंने, बस पापा का कुछ बहुत लाइट खाने का मन कर रहा था, तो ये देखिए, यहाँ मैं बना रही हूँ खिचड़ी, ऑल फुल ऑफ वेजीज, अ टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी टू स्टार्ट डिटॉक्सिफिकेशन। एक्चुअली फेस्टिवल एंड ऑल के बाद हमें कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि उस चीज़ को अपनी हेल्थ के साथ हम कैसे मैनेज करें, तो कुछ हल्के खाने के साथ स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ ही देना चाहिए। तो वही बस अभी बना रही थी खिचड़ी, ऑलमोस्ट बनकर तैयारी हो गई है। तो अभी चलिए चलते हैं, फेस वॉश वगैरह करते हैं, उसके बाद एज प्रोमिस्ड मैं आप सभी के साथ बटर मिल्क की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये देखिए गाइज, छाछ बनाने के लिए ना अभी दो लोगों के लिए बना रही हूँ, तो अप्रॉक्स 6 से 8 चम्मच दही लिया मैंने। और बेसिक इंग्रेडिएंट्स मैं दिखा देती हूँ जो इसमें पड़ता है। ये हींग है एसाफोटिडा, और ये जीरा है। हींग और जीरे का सरसों के तेल में डाल के वो तड़का लगेगा, और बाकी जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं ये दही में डल जाएंगे। लाल मिर्च पाउडर, नॉर्मल नमक, काला नमक और ये जीरा पाउडर। तो अभी क्या करेंगे कि ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है ना, इसको ये दही में डाल दिया हमने, और ये पानी लिया है हमने, एक ग्लास से थोड़ा सा कम है, ये पानी इसमें डाल दिया हमने। एंड मिक्सर कहाँ गया, मिक्सर मम्मा लेकर आई थी, एक मिनट। एंड इसे इस तरीके से मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छे से चर्न कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इस करछी में हमने हींग और जीरे को ले लिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे हल्का सा सरसों का तेल और इसे पका लेंगे फॉर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। देखिए इतनी जल्दी ये कितना अच्छा इसमें, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना फ्रेंड्स, कैमरे पे तो मैं कैसे दिखाऊंगी, मुझे पता चल रहा है इसकी खुशबू। एंड ये देखिए, ये मिक्स होके कितना अच्छा तैयार हुआ। तो बस अब हम इसे इसमें डाल के ढक देंगे। ढकते इसलिए है ताकि इसकी स्मेल जो है वो इसमें बनी रहे। तो फॉर अ मिनट हम इसे ढक देंगे, एंड जब आवाज़ आनी बंद हो जाए तब हम इसका ढक्कन हटा के पूरी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है। अगर स्पून से मिक्स ना हो रहा हो तो वापस से ब्लेंडर से हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे। सो द छाछ इज रेडी, और इसे ऐसे ग्लास में पोर कर लेते हैं और चल के पूछते हैं पापा से कि ये कैसा बना है। पापा पी के बताइए कैसा बना। तो पापा को तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें फ्लेवर के लिए अगर आपको मिंट यानी कि पुदीना मिल जाए ना तो वो आपके डाइजेशन को और ईज करेगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट करने के लिए ये खिचड़ी और ये तक्र जो है ना बहुत अच्छी चीज है। एंड आज का हमारा टिप ऑफ द डे भी यही होने वाला है कि अपने फेस्टिवल्स के बाद हम खुद को डिटॉक्सिफाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं अपना खाना और तक्र है उसे एंजॉय करती हूँ, फिर मिलते हैं आप सभी से कल सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, खा के बस मैं सोऊंगी। तब तक आप भी अपने फेस्टिवल एंड अपने जो मोमेंट्स हैं उन्हें याद करके एंजॉय करें। मिलते हैं आप सभी से कल सुबह, गुड नाइट। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आज है 20th of March और होली कल बीत गई है, और जैसा कि आपने अभी तक देखा हमने खुद को डिटॉक्स करना स्टार्ट कर दिया है। और अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया था, और मैं ये ले रही हूँ अभी जूस। ये जूस है मौसम्बी यानी कि स्वीट लेमन का। इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख के हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। दूसरी चीज़ एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि ये ना किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट करता है।
तो जिनको भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हो, स्टोन की प्रॉब्लम रहती हो, वो मौसम्बी का जूस सेफली ले सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारे डाइजेशन को ईज करके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. प्रेग्नेंट लेडीज एंड जिनको एलर्जी हो उनके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, सभी के लिए नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन में आप प्लीज़ मौसम्बी जूस लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह करें और तभी लें. और अभी आप जैसा देख रहे हैं मैंने अपने बालों में लगा ली है मेहंदी, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, बस गर्मी बहुत है तो मेहंदी कूल नेचर का होता है, लगाने से ठंडक और हेडेक में हेल्प मिलती है, इसलिए मैंने जस्ट अप्लाई कर लिया है. और अभी बस मैं अपने जूस को एंजॉय करके नहा धो के खा पी के सीधा बात करूँगी आपसे टिप ऑफ द डे के बारे में, क्योंकि माँ भी घर के लिए निकल गई हैं यहाँ से एंड मुझे भी अच्छा फील नहीं हो रहा है. मेरी भी पैकिंग स्टार्ट हो गई है, एक दो दिन में जैसे ही टिकट्स कंफर्म हो जाए मैं भी वापस हॉस्टल चली जाऊँगी. तो बस फेस्टिवल जब साथ में फैमिली के साथ रहो उसके बाद जाने का मन तो किसी का नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ पापा ने हमेशा स्ट्रांग बनना सिखाया है एंड सो लाइफ गोज ऑन. तो बस अभी मैं जूस वगैरह पी के नहा धो के खा पी के आपसे सीधा बात करती हूँ अपने टिप ऑफ द डे डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में. सो स्टे ट्यून्ड. सो व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन? हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करना, शुद्धिकरण करना. कोई भी फॉरेन पार्टिकल या ऐसा कोई एलिमेंट जो कि हमारी बॉडी में चला गया है या रह गया है जिससे हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है, उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देना या एलिमिनेट कर देने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं. एंड मोस्टली ये फेस्टिवल्स के बाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फेस्टिवल्स में हम सभी अपने अपने परिवार के साथ रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, तो हमारा मन भी नहीं मानता है वैसे ओकेजन पे. एंड ऐसी सिचुएशन में जब किसी को ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो उन्हें तो सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल होली की ही बात अगर करें, इफ़ अ पर्सन इज़ डायबिटिक एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे तली हुई और मीठी चीज़ें खा ली हैं तो उसका पोस्ट इफेक्ट तो उनको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा ही. इसीलिए एज सून एज पॉसिबल डिटॉक्सिफिकेशन इज़ रियली वेरी नेसेसरी. एंड मैंने पहले भी कहा है कि आप अपने फेस्टिवल्स अपने मोमेंट्स को ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन एक लिमिट में, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना ही करना चाहिए. उसके बाद भी मैं तीन सिंपल टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसका आप ध्यान रखें एंड ईजिली फेस्टिवल्स के बाद खुद को डिटॉक्सिफाई आप कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ तो आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा दें. आप पानी ज़्यादा पियेंगे तो आपको यूरिन आउटपुट के थ्रू जो भी ऐसे एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट होते जाएंगे. दूसरी चीज़, आप एक लाइट डाइट से स्टार्ट करें. जैसे कि कल मैंने तक्र यानी कि छाछ वो लिया और खिचड़ी के साथ लिया था, खिचड़ी मैंने बनाई थी एंड तक्र के साथ उसे मैंने लिया था और भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाई थी मैंने मिक्सअप करके, ताकि मुझे ये फील ना हो कि ऑल ऑफ अ सडन मैं अपनी डाइटिंग स्टार्ट कर रही हूँ. तो ऐसे आप लोग मिक्सअप करके स्टार्ट करें एंड एक लाइट डाइट के साथ स्टार्ट करें. एकदम से खाना पीना नहीं छोड़ना है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि फिर गैस्ट्राइटिस एंड ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम आपके साथ ज़्यादा हो सकती है. तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और खिचड़ी पॉरेज ओट्स ऐसी लाइट डाइट के साथ स्टार्ट करें. थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप ऐसी चीज़ें लेना स्टार्ट कर दें जो कि आपकी डाइजेशन में हेल्प करें, जैसे कि सौंफ हो गया एंड प्रोबायोटिक्स, जैसे कि दही मैंने भी छाँच लिया था. आप ऐसी चीज़ों को लेना स्टार्ट कर दें एंड इफ स्टिल आपको गैस्ट्राइटिस ब्लोटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या अगर बनी रह रही है तो डेफिनेटली आयुर्वेदा मेडिकेशन इज देयर. त्रिफला हो गया, पिपली हो गया और हरीतिकी हो गया, इन सब के सिंगल हर्ब एंड मल्टी हर्ब आयुर्वेदिक मेडिकेशंस अवेलेबल हैं मार्केट में. अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो आप अपने नियरेस्ट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को कॉन्टैक्ट करके उनसे सलाह करके ये सारी मेडिकेशंस प्रोसीड कर सकते हैं. तो ये हो गया मेरा एक छोटा सा ब्लॉग और इसमें एक छोटी सी टिप मैंने दी कि फेस्टिवल्स के बाद खुद को आप डिटॉक्सिफाई कैसे करें. आई होप कि आपको इससे भी हेल्प मिली होगी एंड मेरा आज का ये रेसिपी एंड टिप ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें. मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एक शेयर तो ज़रूर करें. आपके एक शेयर से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो आप सभी से ना हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग. चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही अगले ब्लॉग में अगली स्पेशल टिप के साथ. तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल राज द वॉइस ऑफ सोल.